प्रथम लागूंड चरण को धनी न छुड़ायो छिन्न लाख तली लाल एड़िया मेरे जीव के यही जीवन इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नगर खोलो बातून पालना वालों ने रुखों में त्रे मेरे जीव के ही जीवन मेरे जीव के ही जीवन कैनी सुननी गई रात में अब आया रहने का दिन दिन रहनी कहनी कछुए नहीं और जाहिर होवे बक्का अर्श तन और जाहिर होवे बक्का अर्श तन प्राणों के आधार आत्म संबंधी सुंदर साहब जी एवं साथियों आप पूर्ण ब्रह्म क्षातीत सच्चिदानंद स्वरूप प्राणनाथ जी महाराज अब बता रहे हैं कि कोई युग था जब संसार में अज्ञानता थी पारब्रह्म के ज्ञान में अपनी अपनी अटकल से ही लोग कह देते थे कोई निराकार कोई साकार कोई घट घट में कोई व्यापक इत्यादि तो उन्होंने आके कहा कि भाई जो पहला समय था वो तो गया कहनी सुननी गई रात में रात का मतलब जब पार ब्रह्म के ज्ञान के प्रति दुनिया को ज्ञान नहीं था अज्ञानता थी रात थी और अब आया रहने का दिन अब साक्षात दिस पार ब्रह्म के लिए सो तो तेता ही बोलिया जो गया जहां लो चल अपने अपने मुख से ब्यां करी मंजिल तो जैसा जैसा जिसकी जहां तक पहुंच हुई उसने वहां तक के ही रूप को परमात्मा का रूप दर्शा दिया कहते नहीं वो अटकलें थी अगर सबका एक ठिकाने कोई बात पहुंचती फिर तो वेदों के हिसाब से वो सच्चा हो जाता कि एक हो ब्रह्म परमात्मा सबका एक है तो अंधकार में जुदा जुदा अज्ञानता के रूप में समय में अज्ञानता तो ये मतलब नहीं संसार का ज्ञान ज्ञान नहीं था मतलब ये जितने भी ग्रंथ हैं ये स्वप्निक बुद्धि के हैं ये ब्रह्मांड एक सपना है इस सपने के अंदर ही ब्रह्मा है विष्णु है शंकर इत्यादि सब महादेव जी इसी में हैं तो वो जो कुछ बोलेंगे सपने की बुद्धि से तो बोलेंगे इसलिए जो जागृत से भी परे परम धाम है उसके लिए अज्ञानता रही रात रही अब आया रहनी का दिन अब साक्षात सूर्य रूप ज्ञान लेकर के जिसमें किसी प्रकार का भी संदेह शक कोई भी प्रश्न आप दुनिया का करो परमात्मा का रूप स्वरूप लीला धाम सब कुछ ये कुलजम सुख की वाणी के अंदर उन्होंने ला करके रख दिया है सब विध वतन सहित पार ब्रह्म की वहां लीलाएं क्या हैं 25 पक्ष क्या है सब जो है यहाँ ला करके रखा है क्यों दिन हो गया ताकि किसी के दिल में इस वाणी को पढ़ने के बाद अब ये शंसे ना रहे फिर ये क्या कहने से पहले ही उसका उत्तर ये वाणी देगी और अब क्या है बिन रहनी कहनी कछुए नहीं कहते हैं अब पहले तो चल जाता था कि लोगों ने तपस्या की और जिसकी तपस्या शुद्ध हृदय की और निर्मल होती थी भगवान आए दर्शन दिया आकर के पूछा बेटा क्या चाहिए आ चाहिए भगवान मन ने आ चाहिए बस तथा अस्तु किया और भगवान फिर जुदा भगवान जुदा भक्त जुदा साथियों एक एक बात को सोचो और प्राणनाथ जब आए हैं तो वो कभी भी अपनी आत्माओं से अलग हो नहीं सकते भगवान भक्तों के साथ रह नहीं सकते पार ब्रह्म कभी अपनी आत्माओं से अलग हो ही नहीं सकते इस बार भी जो आना हुआ है ना किसी की भक्ति से नहीं हुआ वो भक्ति से मिलते ही नहीं
भक्ति झूठे संसार की होती है और फिर उसमें शक्ति और अहंकार होता है और वहां तो केवल प्रेम ही प्रेम है। तो प्रेम में भक्ति शक्ति अहंकार की जरूरत नहीं। यदि भक्ति शक्ति और अहंकार है तो फिर एक स्वरूप परमात्मा और आत्मा का कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए मेरे साथियों स्वामी जी कहते हैं बिन रेणी जब तक अब प्रैक्टिकल तुम्हारे जीवन के अंदर ये ज्ञान नहीं आ जाएगा कि भाई आत्मा किसको कहते थे। आगे तो कह दिया करते थे जीवात्मा जीवात्मा जीवात्मा, क्यों? आत्मा का पता नहीं था, अज्ञानता थी, रात का समय था और अब तो सूर्य निकला, एक एक चीज को दर्शा रहा है, देखो ये पड़ा है, ये है, ये है, तुमने इकट्ठा कर रखा था। बिन रहनी कछुए नहीं कहनी, कुछ भी नहीं रहेगी आपकी जब तक इसको अब अमल में नहीं लाओगे। पहले तो अमल में लाने वाली कोई बात नहीं थी क्योंकि जुदा जुदा सब कुछ लोग बता रहे थे। स्वामी जी कहते हैं वो अज्ञानता का समय था और यही प्राणनाथ जी की पहचान है कि जब वो आएंगे तो पराशक्ति यानी अपनी निज बुद्ध जो परम धाम की है वो ज्ञान ला के दुनिया के सब प्रश्नों का उत्तर दे देंगे कि भाई जो तुम जुदा जुदा परमात्मा, कोई गंगा को परमात्मा, कोई किसको, कोई जड़ को, कोई चेतन को परमात्मा मान के बैठा हुआ था, कहने लगे ना इनमें से कोई भी परमात्मा नहीं, ये भगवान अवश्य है। क्यों? अर्जुन को बताया, अर्जुन ने मांगा ना कि वो उत्तम पुरुष परमात्मा कौन है, कहने लगे देख इस दुनिया के करने वाले दो परमात्मा हैं, एक अक्षर और एक अक्षर, मैं क्षर हूं। स्वयं भगवान कह रहे हैं मैं क्षर हूं, मेरी बनाई हुई दुनिया क्षर है। क्षर का मतलब क्या होता है? नाशवान है। मैं स्वयं तेरी तरह लाखों बार जन्म लेता हूं। अब समझा किसी ने नहीं, अब स्वामी जी आके कह रहे हैं बोलो गीता किसने कही? तो जब स्वयं यहां सृष्टि के नाथ सोलह कला संपूर्ण आदि नारायण खड़े कह रहे हैं कि मैं भी जन्मता हूं और मैं एक मिटने वाला हूं, मेरी दुनिया भी ये मिटने वाली है। हम इसके अंदर सच्चिदानंद को लेके बैठ जाते हैं, हम इसी के अंदर परमात्मा कहते हैं। ना मेरे साथियों, अज्ञानता से बाहर आ जाओ। अब सूर्य ज्ञान का निकल चुका है, प्राणनाथ जी सूर्य रूपी ज्ञान लेकर के आए हैं कि परमात्मा ना जन्मता ना मरता है, ये ज्ञान है। उस परमात्मा को ढूंढो तो फिर वो सबका एक है। अज्ञानता के अंदर जब हम परमात्मा को ढूंढ रहे थे तो सबने परमात्मा भी अलग अलग, फिर धर्म अलग अलग, फिर उनकी पाने का तरीका अलग अलग, कोई योगारंभी, कोई जप से, कोई तप से, कोई व्रत से। ना 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 ना, ये जप ये तप ये योगारंभ शरीर से होते हैं, शरीर मिथ्या है तो ये सारे साधन भी मिथ्या हैं। अब आत्मा सत है, चिद है, आनंद है। जब तक उसका रैनी का एक शब्द ही काफी है, बिन रैनी कहनी कछुए नहीं। रैनी का मतलब क्या? कि जब तक आपको उसका प्रैक्टिकल पता नहीं चलेगा कि वो क्या है। तो आइए एक बार 78 का मौका है, प्रयागराज यानी इलाहाबाद में हम अपनी इसी वाणी को प्रिंट कराने के लिए, उससे पहले प्रिंट नहीं हुई थी, हस्तलिखित ही थी, गए हुए थे। तो वहां माता बदल जी जायसवाल जो हिंदू यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग के प्रमुख थे, अब तो पिछले कई दिनों से बेचारों का एक्सीडेंट हो गया, उनका धाम गमन हो गया। वो मुझे बड़े प्यार करते थे और मुझे साथ ले गए कि चलो महाराज जी आज घुमा के लाए। मैं कहा भाई हमने क्या घूमना है, ये जमुना हमारे पास है और यहाँ क्या है, कभी गंगा जा इच्छा होगी तो चले जाएंगे, हमने कौन से वहां जाके नहाना है या कोई पाप दूर करने हैं, पर फिर भी घूम चलेंगे। कहने लगे नहीं महाराज जी आज मैं गाड़ी लाया हूँ, बड़ा आग्रह करने लगे। मैं कह चल भाई घुमा ला, तो घुमाने की बजाय वो मुझे सीधा यूनिवर्सिटी ले गए। अब मैं हैरान, भाई तुम तो घुमाने के लिए कह रहे थे यूनिवर्सिटी ले आए। कहने लगे जी कोई बात नहीं, संतों का यही घूमना होता है, वो पहले से ही उन्होंने सारा अरेंजमेंट कर रखा था। जैसे ही मैं गया तो एक बहुत बड़ा हाल वहाँ होता है हर कॉलेजों के अंदर, बस तुरते ही वहाँ इंटर बीए एमए के स्टूडेंट आके बैठ गए। अब जैसे संसारिक रीति फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है,
प्रोफेसर माता बदल जायसवाल जी उठे, बड़े बहुत ज्ञानी हैं जी महाराज हैं जी, हमें चुप करके गर्दन नीचे डाल के सुनता रहा कि ये संसारिक व्यवहार है, इन्हें कर लेने दो। अभी उसके बाद उन्होंने कहा कि अब महाराज जी आप के सामने मेरे बच्चों प्रवचन रखेंगे। तो वहाँ का जो सेक्रेटरी है साथियों, कॉलेज स्टूडेंट्स के प्रश्नों का उत्तर देना, बड़ी बड़ी कैडी परीक्षा होती है, पहली बार अमेरिका गए तो मेरा प्रवचन वहाँ के कॉलेज के स्टूडेंट के सामने रखना पड़ा। तो क्या क्या बीतती है कहने वालों को, वो तो वो जानता है। खैर सेक्रेटरी उठा, कहने लगे महाराज जी अपना भी समय ना नष्ट करना, कॉलेज स्टूडेंट हैं, भक्त श्रद्धा जन थोड़े बैठे हैं, और हमारा भी समय नष्ट ना करना। मैं कहा भाई क्यों, ऐसी क्या बात है? कहने लगे जब हम यूनिवर्सिटी में आके एडमिशन लिया था तो कुछ ना कुछ भगवान पर आस्था रखते थे, कोई हनुमान भगवान पर, कोई किसी पर, कोई किसी पर, और इन प्रोफेसर जी ने हमको नास्तक बना दिया। दिमाग घबरा गया भाई ये क्या बात है, वो तो इतने बहुत हिंदू ज्ञान के वो जानने वाले। मैं कह बेटा वो कैसे? कहने लगे ये तो हमारे ऊपर उपकार कर रहे हैं, बड़े बड़े संत जब आते हैं हर समाज जुदा जुदा समाजों के, उनको यहाँ ले आते हैं। पहली बार महाराज कोई गायत्री के आए और वो कहने लगे परमात्मा निराकार है, परमात्मा कण कण में विराजा है। ठीक भाई, इतने बड़े जब महाराज हैं तो वो झूठ थोड़ा बोलते होंगे। ठीक भाई, हम तो अनपढ़ थे, लख लिया दिल में। थोड़े दिनों के बाद ये सनातन धर्म के महात्माओं को ले आए, उन्होंने आके कहा नहीं परमात्मा निराकार नहीं, परमात्मा साकार है। फिर हम सोचने लगे भाई ये भी इतने बड़े सनातन धर्म के आचार्य हैं महाराज हैं, ठीक है परमात्मा साकार ही होगा। फिर कुछ दिनों के बाद और महाराज को ले आए, वो कहने लगे ना परमात्मा निराकार है ना परमात्मा साकार है, वो तो कण कण में घट घट में व्यापक है। अच्छा भाई, अब उनको भी दिल में रखा। फिर थोड़े दिन बाद एक और महाराज को ले आए, कहने लगे ना वो निराकार है ना वो साकार है ना वो घट घट में, वो जल्ले सो ब्रह्मांड है, वो जल के अंदर है, पिंड के अंदर है, ब्रह्मांड के अंदर है। तो महाराज अब बताइए किस महाराज को हम सच्चा कहते किसको झूठा कहते, हमारा जो विश्वास था वो भगवानों से उठ गया, नास्तक हो गया। अगर तो आप हमें ये बता सकते हो, एक तो किसी भी धर्म का नाम ना लेना और दूसरा किसी ग्रंथ का प्रमाण ना देना, और एक सीधा प्रश्न है व्हाट इज गॉड, परमात्मा क्या है, पहले तो हमारा ये संशय मिटाओ, आगे का ज्ञान तो फिर सुनाए। एक ऑर्डिनरी आदमी की बुद्धि से बाहर का बात है कि परमात्मा की व्याख्या करो, ना किसी धर्म का नाम लो और ना किसी ग्रंथ का नाम। जो तो अपने बल पे बोलते हैं ना वो ते खा जाते, तो किसी ना किसी के साथ तो किसी का कनेक्शन होता है, उनके चरणों का ध्यान लगाया और बोलना शुरू कर दिया कि बेटा ऐसा कर, लेक्चर होने जा रहा है, कॉपी पेंसिल आपके पास तैयार होनी चाहिए, तैयार करो, तीन शब्द मैं बोलूंगा, तीन का ही आपने उत्तर देना है, फिर उसका टोटल लगाना है, वो परमात्मा निकल आएगा। भाई प्रैक्टिकल क्वेश्चन देना है ना, प्रैक्टिकल करो और फिर टोटल लगा दो, वो परमात्मा तुम्हारे सामने आ जाएगा। कहने लगे ठीक है, पेन कॉपी मेरे पास है, बोलिए। मैं क्या ये बताओ, जो परमात्मा है जो भी है समथिंग, वो सत्य है कि झूठ है? कहने लगे मतलब? मैं क्या सत्य वो होता है जो कभी जन्मता मरता नहीं, अखंड है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। कहते यस, परमात्मा सत्य, ये तो कम से कम पढ़ा लिखा भी भारत का आदमी बता सकता है कि परमात्मा सत्य है। मैं क्या लिख ले, नंबर दो लिख कि जो सत्य होगा, अभी कोई परमात्मा का नाम भी नहीं है मेरे साथियों, जो सत्य होगा वो जड़ नहीं हो सकता, पीस ऑफ आयरन नहीं हो सकता, स्टोन नहीं हो सकता, वो चेत
चेतन अवश्य होगा, चेतनता का स्वरूप होगा। कहने लगे जी ये भी ठीक है, जो सत है वो फिर जड़ थोड़ा होगा, वो तो सदा चेतन ही होगा। मैं लिख रहे नंबर दो चेतन। अब मैं क्या ये बता दे तू भाई कि जो सत भी है और चेतन भी है तो कोई ना कोई तो वो लीला करेगा, खाली तो चुपचाप बैठा नहीं रहेगा, कोई ना कोई तो फंक्शन करेगा। तो उसकी वो जो लीला होगी, वो जो फंक्शन होगा, उसमें आनंद आएगा सत की लीला में या के दुख आएगा? कहना जी आनंद आएगा। मैं अब लिख आनंद और तीनों का टोटल लगा के बता परमात्मा क्या है। कहते जी ये तो बन गया सत चिद आनंद सच्चेदा। मैं कह यही परमात्मा। तो कहने लगे जी वो फिर कैसे मिल सकता है? मैं क्या बुलाता तो मैं तुम्हें उस बैठक में, पर आज बता, सोना लेना है तो जोहरी मार्केट में जाना पड़ेगा, हीरे लेने हैं जोहरों के पास जाना पड़ेगा, सब्जी भाजी लेनी है तो वेजिटेबल मार्केट में जाना पड़ेगा, कापड़ लेना है तो क्लॉथ मार्केट में जाना पड़ेगा। अच्छा अब आ जा, तुमने थैला उठाओ, बैग उठाओ, परमात्मा को लेके आए। तुम्हें क्या चाहिए? सत्य। वो सत्य है तो ये सारा ब्रह्मांड असत्य है, बनता है और मिटता है, वो असत्य होता है। कहते जी ठीक है, यहाँ तो जन्म होता है मरता है, जो मकान भी बनते हैं 40-50 साल के बाद गिर जाते हैं, यहाँ कोई चीज जो है सत्य नहीं है। मैं कह ठीक चल आगे, तुम्हें सत्य चाहिए इस मार्केट में नहीं, अब तुम्हें चेतन चाहिए। यहाँ पांच तत्व हैं, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, पांचों के पांचों जड़ है। पृथ्वी है, इससे कोई बातें करके बताए, पृथ्वी माता बोलो, बोलेगी? जल टोकरा सामने रखना, बर्तन, कहना हे जल भगवान बोलो, जड़। आकाश को कहो हे आकाश मेरे प्रश्न का उत्तर दे, क्या देगा? वायु को कहे यार रुक जा, ठंडी तू क्यों चलती है, गर्म चल, गर्म क्यों चलती है, ठंडी चल, क्या सुनेगी? पांचों के पांचों तत्व जड़ हैं, वो चेतन है, ये जड़ है, वो आनंदमय है। यहां पाताल से लेके वैकुंठ तक भी दुख ही दुख का पसारा है भाई। अगर सच्चिदानंद को खरीदना है तो दूसरी मार्केट में चलो। ये है अज्ञानता का दिन, अज्ञानता की रात थी। अब स्वामी जी कहते हैं अब जब से प्राणनाशी दुनिया में आ गए, भाई कई सुन के घबरा रहे होंगे कि महाराज ये जान बार बार प्राणनाश को क्यों कहते? तो एक पत्नी होती है, वो अपने पति को चाचा जी तो नहीं कहेगी, क्या अपने पति को काका कहेगी? पति और पत्नी का जो नाता है, तो पत्नी सर्वदा अपने पति को प्राणनाथ कहती है। प्राणनाथ किसी बॉडी का नाम नहीं, प्राणनाथ किसी देवी देवता का नाम नहीं, प्राणनाथ किसी तीर्थंकर अवतार का नाम नहीं, प्राणनाथ जो हम सब की आत्माओं का मालिक है, स्वामी है, खामिंद है, हमारी आत्माओं के कारण ही प्राणनाथ इस दुनिया में आए हैं। तो वो कहते हैं कहनी सुननी गई रात में, अब आया रहनी का दिन। बिन रहनी, जब तक तुम पार ब्रह्म को, अपनी आत्मा को, क्षर अक्षर और अक्षातीत को पहचान नहीं लोगे तो कुछ नहीं होने वाला। बिन रहनी कहनी कछुए नहीं, कहते रहो भगवान का चिंतन करो, भगवान को जानते नहीं, ब्रह्म का चिंतन करो जानते नहीं, आत्मा का चिंतन करो जानते नहीं, फिर क्या होगा? पहले इनको जानो, जानना ही रहनी है, और रहनी में आके फिर क्या हो जाएगा? जाहिर होवे अर्श बक्का तन, परम धाम का भी पता लग जाएगा और आत्मा का भी पता चल जाएगा, और अखंड लीला कहां पार ब्रह्म की है वो भी पता चल जाएगा। इसलिए प्राणनाथ जी के स्वरूप को पहचान कर नाता जोड़ो और बेड़ा भवसागर से पार थे जैसे।